मिश्र समानुपात पार्ट टू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि सात औरतें सात झाड़ुओं से सात मंजिलों को सात घंटे में साफ करें, तो तीन औरतें तीन झाड़ुओं से तीन मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। अब यहां पर आपको समझना है कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कहां पर, टाइम एंड वर्क में, और इससे पहले पार्ट वन में भी बताया था, जैसे एम वन डी वन एच वन और इधर में डब्ल्यू टू होता है, इसके बाद एम टू डी टू एच टू और इधर में डब्ल्यू वन होता है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो उसी फॉर्मूला से, यानी कि इसी फॉर्मूला से ये प्रश्न बनेगा, लेकिन आपको समझना होगा प्रश्न दो पार्ट में है। तो काम क्या है, काम को आपको समझना है, अगर काम को समझ लिए तो बन जाएगा इसी फॉर्मूला से। तो अब यहां पर समझिएगा, तो काम क्या है, यदि सात औरतें सात झाड़ुओं से सात मंजिलों को सात घंटे में साफ करें, यानी कि झाड़ू लगाना काम है, तो झाड़ू कहां पर लगा रहे हैं, मंजिलों को, सात मंजिलों को, एक मंजिला दो मंजिला तीन मंजिला यानी कि सात मंजिला इस तरीके से है। तो घर को सफाई कर रहे हैं ना, तो घर को सफाई कर रहे हैं, तो उसका काम क्या है, काम कितना है, वो आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, झाड़ू लगाना काम है, तो कितने मंजिलों को झाड़ू लगाया, तो पार्ट वन में सात मंजिलों को झाड़ू लगाया, और पार्ट टू में क्या बोल रहा है, पार्ट टू में तो तीन औरतें तीन झाड़ुओं से तीन मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर तो मैं इतना ही लिखा हूं, इसके अलावा भी और यहां पर दिया हुआ है, तो सात औरतें यानी कि M1 की जगह में सात रख दीजिए, और इसके बाद क्या है, सात झाड़ू है ना, तो झाड़ू तो यहां पर नहीं लिखे, लेकिन आपको पार्ट वन में जो कुछ भी दिया हुआ है इधर में आपको लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज को उल्टा रखते हैं, काम को पार्ट वन में डब्ल्यू टू को रखते हैं और पार्ट टू में डब्ल्यू वन को रखते हैं, यही काम आपको करना है। तो पार्ट वन में क्या किया है, सात औरतें सात झाड़ू, तो यहां पर सात झाड़ू रख दीजिए, इसके बाद सात मंजिले को साफ किया है ना, वो तो काम है, तो डब्ल्यू वन है, तो डब्ल्यू वन को पार्ट टू में रखेंगे। इसके बाद सात औरतें सात झाड़ुओं से सात मंजिले को सात घंटे में एच वन दिया हुआ है, तो यहां पर सात रख दीजिए, और अब आपको समझना है W2 क्या है, तो पार्ट टू में चले जाइए, तो पार्ट टू में कितना मंजिला को साफ करना है, तो क्या बोला है, तो तीन औरतें तीन झाड़ुओं से तीन मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लगेगी। तो दूसरे का पार्ट में यानी कि काम क्या है, तीन मंजिलों को झाड़ू लगाना, तो यहां पर W2 क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब पार्ट टू में चले जाते हैं, पार्ट टू में कितने हैं, तीन औरतें हैं तीन झाड़ू से झाड़ू लगाना है, तीन औरतें तीन झाड़ुओं से तीन मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी, यानी कि यहां पर एच टू निकालना है, गुना का चिन्ह मैं देता हूं, यहां पर गुना का चिन्ह यानी कि एच टू, और डब्ल्यू वन कितना है, तो सात मंजिला को, यानी कि पार्ट वन में सात मंजिला को झाड़ू लगाया है, तो डब्ल्यू वन कितना है, सात है, यही काम आपको करना है। अब यहां पर देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीन और ये तीन कटेगा, बाकी हाँ ये कटेगा ना, देखिए ये और ये कट जाएगा, इसके बाद अब तो नहीं कटेगा, तो सात सत्ते उनचास, सात सत्ते उनचास, और इधर में क्या है, तीन गुने एच टू है, तो एच टू बराबर क्या हो जाएगा, एच टू बराबर तीन को हटाएंगे तो इसके बटे में जाएगा ना, तो मैं इधर लिख देता हूं उनचास बटे तीन, तो देख लीजिए इस तरीके से अगर आंसर है, तो इसी तरीके से अगर काट के लिखा हुआ रहेगा तो काट के लिखा हुआ रहेगा, अगर इसी को आप लिखना चाहें जैसे इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसी को और दिया जा सकता है, 16 + 48 होता है ना, तो यहाँ पर 16 और ऊपर में एक और यहाँ पर तीन, 16 + 48 और एक 49, यानी कि इतना घंटे भी होगा, या पॉइंट में भी लिखा हुआ रहेगा, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, आता है या आ गया, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, प्रश्न तो आसान ही है,
सॉल्व करने का तरीका आसान है, लेकिन प्रश्न को समझना सबसे बड़ी बात है। प्रश्न को समझना, देखिए किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न आता है ना, आसान प्रश्न दिया जाता है, कोई भी कंपटीशन हो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ाया गया है या सही तरीके से आप नहीं पढ़ पाए तो आपको मुश्किल लगता है। लेकिन कोई भी एग्जाम की बात करें तो आसान प्रश्न दिया जाता है। देखिए इसमें क्या बोला है, सात मकड़ी सात दिन में सात जाले बुने, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर क्या है, जाल को बनाना ही काम है, जाल को बनाना काम है। तो आपको क्या करना है, पार्ट वन को इधर रखिए, बराबर पार्ट टू को इधर रखिए, लेकिन काम को उल्टा रखते हैं। पार्ट वन में डब्लू टू और पार्ट टू में डब्लू वन, यही काम तो करते हैं। तो पार्ट वन में क्या है, सात मकड़ी सात दिन में सात जाले बुने, इसके बाद और कुछ तो नहीं है। अब इधर में आते हैं तो क्या बोल रहा है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। अब यहां पर समझिएगा, एक मकड़ी एक जाल। अब यहां पर समझिएगा, पार्ट टू में काम कितना है, एक जाल, यानी कि काम तो जाल बनाना है ना, लेकिन पार्ट टू में एक जाल की बात हो रहा है, यानी कि डब्लू टू क्या है, एक है, तो डब्लू टू एक है, तो डब्लू टू को इधर में रखते हैं ना, तो इधर में एक रखेंगे, और इधर तो कंप्लीट हो चुका है, इधर में ध्यान दीजिए। तो क्या बोला है, तो एक मकड़ी लिख लिए, एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, यानी कि डी टू निकालना है, लेकिन यहां पर तो W1 रखेंगे, पार्ट टू में W1 को रखते हैं, तो W1 यानी कि पार्ट वन में कितना जाल बनाया है, सात जाल बनाया है ना, तो यहां पर सात रख दीजिए, तो ये सात और ये सात कैंसिल, तो सिंपल में आ गया D2 बराबर सात। देखिए ऐसा प्रश्न है, देखिए सात दिन में बन जाएगा, लेकिन ये जो प्रश्न है एक ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है जो कि दिमाग को घुरा सकता है, दिमाग को घुमा सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि हर एक तरह का प्रश्न को सॉल्व करिए, और मैथ का किताब जो है उसमें जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक को पढ़ के रखिए, तैयार रहिए। युद्ध लड़ने के लिए आपको अभ्यास पहले करना होगा, तैयारी पहले करना होगा। कुछ लोग होते हैं कि एग्जाम एडमिट कार्ड अब मिलने वाला है, एग्जाम का डेट आ चुका है, तो सोचते हैं कि अब पढ़ना है, ऐसा गलती कभी नहीं करिए। अगर नौकरी लेना है तो एग्जाम कब होगा उसका आप इंतजार मत करिए, एग्जाम तो दो महीना बाद हो, तीन महीना बाद हो या साल भर बाद हो, एग्जाम तो होगा ही, लेकिन आपको तैयार रहना है। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है ना, देखिए कितना आसान था। अगर यही प्रश्न एग्जाम में आ जाता ना, बहुत लोग छोड़ देते, सोचते कि कैसे बनेगा, सोचते ही रह जाते हैं और सोचते कि कहां से आ गया। तो ये जो प्रश्न है ना, आरएस अग्रवाल का किताब में है, उसमें एक चैप्टर है मिश्र समानुपात, उसी से मैं इस प्रश्न को लिया हूं। तो अब चलते हैं आगे, तीसरा नंबर में इसमें क्या बोल रहा है, छह मजदूरों का 15 दिन का वेतन, यानी कि पैसा कमाया है, तो वेतन यानी कि पैसा कमाया, ड्यूटी किया, नौकरी किया, काम किया तो पैसा मिला, तो यहां पर पैसा कमाना यानी कि काम क्या है, पैसा कमाना। अगर और थोड़ा टाइम ज्यादा देता और या ज्यादा मजदूर रहता तो ज्यादा पैसा कमाता, तो काम क्या है, पैसा कमाना। तो W1 और W2 यानी कि काम को पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो देखिए छह मजदूर है ना, तो इधर में छह मजदूर रख दीजिए, इसके बाद 15 दिन का वेतन दिया हुआ है। अब यहां पर W2 रखेंगे ना, तो W2 अब तो पार्ट 2 में चल जाइए, तो क्या बोल रहा है, तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन कितना होगा, यानी कि पार्ट 2 में काम नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है, यानी कि W2 ज्ञात करना है। तो पार्ट टू में क्या क्या दिया हुआ है, तो नौ मजदूर 12 दिन का वेतन, 9 मजदूर का 12 दिन का वेतन कितना होगा। अब यहां पर तो W1 रखेंगे ना, तो W1 कितना है, पार्ट वन में कितना पैसा कमाया था, 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन 700 रुपया ना, तो
डब्लू वन कितना है 700, तो यहां पर 700 रख दीजिए, 700 बस आंसर आ गया। अब इसको काट लेते हैं, तो सबसे पहले 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, इसके बाद 3 तिहाई 9, ये कट चुका है, और 3 से इसको काटेंगे, 3 पच्चे 15, अब यहां पर समझिएगा, तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 एकम 5, यहां पर 2 बच गया, तो कितना होगा, तो 5 चौके 20 और 1 0, इतना हो गया, ये कट चुका है, तो इधर में W2, तो W2 बराबर क्या होगा, अब गुणा कर लेंगे, यहां पर क्या है, 0 है लास्ट में, यहां पर 0, तो 3 दूना 6, तो 6 शून्य शून्य हो जाएगा, इसके बाद 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, और 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, तो देख लीजिए 840, तो 840 कहां है, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए, और कहीं पर डाउट है तो, अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिखने में कमी मत कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।